देखिए पुलिस कार्रवाई तभी करेगी जब उसको रिपोर्ट देंगे, घर बैठे कभी नहीं करती है। अगर 3 महीने पहले भी पहलवानों को ये काम कर देना चाहिए था, मैं तभी बोला था कि पहलवानों को अगर कुछ करना है तो पुलिस रिपोर्ट कर देनी चाहिए। न्याय तो अपना काम, कानून अपना काम करेगा, और जो हमें न्याय मिलेगा वो न्यायालय से मिलेगा, कोर्ट से मिलेगा। और कमेटी भी सरकार ने, जो खेल मंत्रालय ने कमेटी बनाई थी, दो कमेटी, एक ओलंपिक संघ ने बनाई थी, एक खेल मंत्रालय ने बनाई थी, दो कमेटी बनी थी। पर कमेटी में कुछ कोई भी निर्दोष और दोषी साबित नहीं कर सकती कमेटी, ना कमेटी के पास ये पावर है। और पावर तो बस उस न्यायालय के पास है, कोर्ट के पास है कि किसको सजा देनी है, किसको निर्दोष साबित करना है, किसको, वो चीजें देख के। कमेटी का तो बस इतना ही काम होता है कि दोनों पक्षों की बात सुने और वो आगे रिपोर्ट सबमिट कर दे। वही जो अभी पीटी उषा जी हैं भारतीय और ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी अगर इस रोम कोशर को कर नहीं आना चाहिए, इस तरह जो देश की छवि खराब होती है, उनको पहले ओलंपिक में जो चुनने वाली जो कमेटी उसमें आना चाहिए। नहीं देखिए उसमें है, श्रीमती बहन पीटी उषा जी ने जो बोला है, क्योंकि उन्होंने कमेटी बनाई है दोनों स्पिन के लिए, उसमें पहलवानों की जो भी चीजें उसमें से, और अभी जांच वो खत्म नहीं हुई है शायद। अब तो सर कोर्ट में केस लगे, अब तो उसका कोई महत्व, जहां तक मेरे को लगता है कोई महत्व नहीं होगा। जो भी चीजें होंगी वो जहां तक अभी जांच चलती रहेगी उसकी, वो क्योंकि ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को ये रिपोर्ट सबमिट करनी होती है शायद, जो हमारी करनी होती है, और हमें ये ओलंपिक संघ को देनी है, ये करके ये अपनी जांच चलती रहेगी। पर इसमें किसी को सजा नहीं दे सकते, और कोई दोषी है भी तो इसमें कमेटी या किसी के पास भी पावर नहीं है कि किसी को दोषी साबित करके उसको सजा दे दे। सजा प्रावधान बस कोर्ट के पास होता है, देश का प्रधानमंत्री भी किसी को सजा नहीं दे सकता इस तरीके कि भाई इसको इतने दिन की सजा कर दी। तो जो काम, जिसका जो काम होता है वो काम वही करता है। तो पीटी उषा जी ने बोला कि ऐसे नहीं आते, तो उनका कहने का मतलब शायद ये हो सकता है कि भाई अभी जांच चली थी, अभी आप इस चीज पे आए हो। और पर यह है कि पहलवानों को अपनी जो परेशानी थी वो अपने, इसलिए जंतर मंत्र बैठे थे, तो वो अपनी जगह है, दोनों ठीक है। खेल मंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप करके ये बात बताई कि जिस तरह 12 12 घंटे जो खिलाड़ियों की जो है समस्याएं सुनी है, तो उल्टा खिलाड़ी कह रहे हैं कि हमारी समस्या सुनी है। देखिए घर के अंदर क्या हुआ है वो हमें नहीं पता, पर ये सच है कि घर के अंदर, खेल मंत्री जी के घर के अंदर 2 दिन, 2 3 दिन, 3 दिन लगातार पहलवान 6 5 5 6 6 घंटे रहे हैं, और घर के बाहर आप जैसे भाई मीडिया वाले हमेशा खड़े रहते थे, ये तो सबको पता। पर अंदर किसकी क्या बात हुई, कौन कितना क्या टाइम मिला, वो तो मैं नहीं पता। हाँ पर यह है कि खेल मंत्री जी ने अपने घर पे 2 3 दिन बुलाया इनको, और पूरा समय वो पहलवान वहां पे रहे थे रात। तो जिस तरह से अभी एफआईआर दर्ज की बात हो रही है, एफआईआर दर्ज हो जाएगी यार, तो खिलाड़ियों को क्या अपना धरना समाप्त करना चाहिए? देखिए पुलिस रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, और जहां तक मेरा मानना है तो अभी एशियन गेम्स भी हैं, तो अपनी तैयारी को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगला पहलवानों का क्या डिसीजन है, क्या ये चाहते हैं, मेरे को नहीं पता, वो तो वो खुद जो उनके मन में है वो देखेंगे। हाँ पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब तो अगला काम तो पुलिस का है, और फिर कोर्ट का काम है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं है। पर जो भी है कि पहलवान चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो, तो वो चीज हो चुकी है, तो वे पहलवानों को अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। समर्थन नहीं समर्थन पूरा मिला है, सभी से समर्थन मिला, सभी गए हैं वहां पे, सभी को बुलाया गया, जो जिसको भी बुलाया गया वही गया।